लेके उत्तर प्रदेश की नीति कभी भी बहुत स्पष्ट नहीं रही है, ये हमारा विगत इतिहास रहा है। मैं स्वयं मनोरंजन कर विभाग में उनकी कमेटी में था और तभी भी ये बात स्पष्टता से नहीं आती थी कि फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म रिलीज और सब्सिडी इत्यादि को लेकर बहुत स्पष्टता नहीं रही है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में फिल्मों का निर्माण हमेशा ही एक मीडियम और लो मीडियम लेवल पर ही रहा। कोई एक्सपेरिमेंटल के दौर पर लोग भले कर जाते थे, लेकिन एक स्पष्टता के साथ एक सोची समझी सुविचारित योजना के तहत यहाँ फिल्मों की शूटिंग हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बहुत दिनों से मैं ऐसा देख रहा हूँ। ये एक पक्ष है। दूसरा उसका ये पक्ष है कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर, जिसको आप कह सकते हैं, जो हॉलीवुड या हमारा बॉलीवुड इसे कहा जा सकता है, वहां पर उत्तर प्रदेश का लगभग वर्चस्व है। यानी उत्तर प्रदेश के लोग वहां जाकर फिल्मों के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक योगदान कर रहे हैं, लेकिन वो योगदान उत्तर प्रदेश के हिस्से में नहीं आता है। पिछले दशकों में भी कुछ एडहॉक योजनाएं बनती रहीं कभी सब्सिडी को लेकर, लेकिन एक समस्या यहाँ बड़ी थी कि मनोरंजन कर की दर बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से यहाँ फिल्म देखना बहुत महंगा था। आज भी महंगाई है, लेकिन उस पर कोई बहुत सुविचारित नीति नहीं बनी। फिर उसके बाद जब मल्टीप्लेक्सेस का रोल बढ़ा तो फिर सिंगल स्क्रीन सिनेमा को लेकर स्पष्ट नीति नहीं बनी। फिल्म निर्माण को लेकर सब्सिडीज के साथ लेकर एक कोई बहुत सुविचारित नीति नहीं बनी। ये पिछले 3-4-5 वर्षों में कुछ ऐसा एक कॉन्शियस डिसीजन हुआ कि उत्तर प्रदेश को, जहां पर फिल्म निर्माण की लोकेशंस की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और उस संभावनाओं को टैप करने के लिए, उनका यूज करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए कुछ सुविचारित नीति होनी चाहिए। इसको लेकर इस वर्तमान सरकार ने कुछ नीतियां विकसित की हैं, जिसकी वजह से पिछले 4-5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्मों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ये एक कारण है। दूसरा एक और कारण है कि वेब सीरीज के आने से एक संभावनाओं के नए क्षेत्र खुले हैं। पहले फिल्में बनाना एक बहुत मुश्किल कार्य इसलिए होता था कि उसका रिलीज तक पहुंचाना फिल्मकार के लिए, निर्माता के लिए एक दूसरा कार्य होता था, बनाने से ज्यादा मुश्किल कार्य होता था कि उसको वो स्क्रीन की शक्ल दिखा सके। वेब सीरीज आने के बाद से ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म और खुला है, जहां पर एक मल्टीपल ऑप्शंस निर्माताओं के लिए खुले हैं, इसलिए शूटिंग की भी आवश्यकता ज्यादा हो रही है। मैंने ऐसा भी देखा है कि वेब सीरीज पर आने वाले ऐप्स की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, और उसकी वजह से विषयों के चयन में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। एक समस्या है जिसकी वजह से, लेकिन उसकी वजह से शूटिंग्स तो बढ़ ही हैं, वो ये भी है कि वेब सीरीज को लेकर कोई सेंसर नीति नहीं है और वो एक उन्मुक्त माध्यम के रूप में सामने आया है, जिस पर कि अभी कोई वर्जना नहीं है और किसी भी प्रकार की चीजें शूट हो रही हैं और दिखाई जा रही हैं। ऐसी वृद्धि भी उसमें हुई है, हिंसा और सेक्स को लेकर फिल्मों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, लेकिन उनकी वजह से शूटिंग्स तो हो ही रही हैं, और शूटिंग्स के लिए जो विषयों के चयन पहले बड़े इलिटिज्म के साथ जुड़े जाते थे, वो अब व्यापक हो गए हैं। वो मैं ये भी नोटिस बराबर कर रहा हूँ कि झुग्गियों में, झोपड़ियों में, छोटे शहरों में शूट्स ज़्यादा होने लगे हैं, क्योंकि वो विषय ऐसे चयन होने लगे हैं जहाँ पर शूटिंग की संभावनाएं बनती हैं। एक और कारण भी ये भी हो सकता है कि वेब सीरीज के साथ साथ और मल्टीप्लेक्सेस के साथ साथ अब एक और योजना पर काफ़ी काम चल रहा है, वो है मोबाइल स्क्रीन्स की योजनाएं भी चली हैं, जो मोबाइल सिनेमा हॉल, जिसको सिनेमा थिएटर्स कह सकते हैं, उनकी भी स्कीम्स लेकर कई लोग आ रहे हैं विदेशों में। ये काफ़ी लोकप्रिय है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ये योजना भी हमारे सामने आ जाएंगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र तक हम पहुँच सकेंगे। तो इसलिए संभावनाओं का क्षेत्र तो व्यापक है, खुला हुआ है। अब यह है कि उस संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने की कोशिश ये सरकारी नीतियों के थ्रू ही हो सकती है। देखिए, ये तो निश्चित है कि आप किसी भी मीडियम को इतना उन्मुक्त नहीं होने दे सकते, होने देना चाहिए कि वो फिर आपके अपने मूल्यों के ऊपर ही आघात करने लग जाए। हम जानते हैं कि फिल्मों का भारतीय जीवन पर बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा है, उसकी प्रभावशीलता को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक भी है, वांछित भी है कि वो एकदम उन्मुक्त ना हो।
तो चाहे प्रेस काउंसिल की तरह ही अपने आप एक स्व निर्मित सेंसर नीति बनाकर सेंसर बोर्ड जैसी कोई संस्था बने, और या उसमें सरकार की नाम मात्र की प्रतिभागिता के साथ कोई योजना बने। आप इसी तरह से देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी कोई सेंसर नहीं है, तो वो गैर जिम्मेदार होता जा रहा है। हमने पूरे कोरोना पैंडेमिक के दौरान गैर जिम्मेदार मीडिया पर लाखों रिपोर्ट्स देखी हैं। मलेशिया की पिक्चर यहां रिलीज, यहां की पिक्चर कहीं और रिलीज, इस तरह की फोटोग्राफ्स को लेकर हमने बना बनाकर परोसा जाना भी अपनी तरह से एक गैर जिम्मेदार हरकत है। और इसको लेकर श्रेष्ठतम रूप तो प्रेस काउंसिल है। मैं तो अभी भी हमेशा मानता हूं कि प्रेस काउंसिल से अच्छी कोई संस्था नहीं हो सकती, जहां पर उन्हें खुद इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि हम क्या नहीं करेंगे, कम से कम क्या नहीं होना है, इसका एक स्पष्ट सुविचारित नीति स्वयं घोषित होनी चाहिए। पहले मीडियम द्वारा घोषित होनी चाहिए, सरकार उसमें तब इंटरवीन करे जब सरकार को लगे कि यह घोषित नीतियों का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये दोनों ही सपक्ष अगर ये मीडियम खुद में नहीं करेगा अपने आप को नियंत्रित और अपने आप को जिम्मेदार, तो सरकार को कहीं ना कहीं इंटरवीन तो करना ही होगा। देखिए, फिल्म की एक यूनिट एक छोटा मोटा संगठन होता है, एक 50-100 लोगों का संगठन होता है, जिसे कम से कम लंबे समय तक रहकर ही कोई शूट करना होता है। तो मुख्य कार्य तो यही होता है कि इन 50-100 लोगों को कहीं रहने की एक बेहतर व्यवस्था, सुरक्षा, और लोकेशन तक पहुंचने के लिए कोई बहुत अच्छी सड़कों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शूटिंग के लिए तो नेचुरल एनवायरमेंट ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की, बेस तक पहुंचने की सुविधा होनी चाहिए। तो ये जहां भी उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे अयोध्या की आपने जिक्र की, अयोध्या में यदि हमारा गेस्ट हाउस नहीं हो तो यहां 50 कमरों का कोई सेटअप ही नहीं है जहां पर कोई एक यूनिट लंबे समय तक रह सके। प्रकाश जी आए, उन्होंने 3 वेब सीरीज की यहां पर शूटिंग की है पैरेलल, क्योंकि वो उन्होंने 50-52 दिन के लिए यहां पर जो गेस्ट हाउस बुक किया उस समय हमारा गेस्ट हाउस उपलब्ध था, तो हमने उनको दिया। अब उसके बाद से इस वही गेस्ट हाउस इस वक्त हमारा कोरोना के लिए आइसोलेशन के रूप में काम आ रहा है। इसके पश्चात पुनः उनकी बुकिंग है यदि स्थितियां नॉर्मल हो गई तो ये, लेकिन ये विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है। कोई 50-100 कमरों का एक ऐसा यूनिट जो कि कॉम्पोजिट हो, कॉम्प्रहेंसिव हो, जहां पर बेसिक चीजें मिल जाए, कुछ छोटी मोटी अगर आप स्टूडियो मिक्सिंग की फैसिलिटी भी वहीं पर दे दें, तो उन्हें बार बार हर चीज को बॉम्बे नहीं भेजना पड़ेगा। तो जब वो शूटिंग्स की कॉस्ट कम हो जाएगी तभी ये अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि अदरवाइज मोबिलिटी से खुद ही कॉस्ट बढ़ जाती है उनकी पूरी। आजकल तो पूरी वैन्स चलना और वैनिटी वैन्स चलना ये सब एक बड़ा काम है। तो उनके लायक सड़कें हों, उनकी सुरक्षा हो। उत्तर प्रदेश को लेकर जो परसेप्शन है लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार दोनों को लेकर, तो वो परसेप्शन का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो उत्तर प्रदेश का नंबर 1-2 नहीं है, बहुत नीचे है, लेकिन परसेप्शन में वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि ऐसा परसेप्शन लोगों ने बनाया। उस परसेप्शन पर काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि स्थानीय लेवल पर जो क्षेत्रीय बोर्ड सरकार ने अभी गठित किए हैं, विकास बोर्ड किए हैं, उनको यह दायित्व सौंपा जाना चाहिए कि उन विकास बोर्डों का दायित्व है कि उस क्षेत्र में इस प्रकार की लोकेशंस को डेवलप करना, लोगों के सहयोग के साथ विकसित करना, लोगों के सहयोग के साथ संगठन बना लेना, उसका लाभ लोगों तक, सामान्य लोगों तक पहुंचेगा तो कभी भी कोई विरोध नहीं होता है। वो जन सामान्य तक ऐसा लाभ पहुंचे, ऐसी व्यवस्था बन सकती है। और ये बोर्ड जो बना दी है सरकार ने, पूर्वांचल विकास बोर्ड बनाया है, बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाया है, मध्यांचल विकास बोर्ड बनाया है, इस तरह के बोर्ड जो बने हैं इनका ये काम होगा। जैसे उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल के विकास बोर्ड सारा काम करते हैं, वे लगभग ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट होने की वजह से ही काम कर पाते हैं। मुझे लगता है कि उससे अच्छा फिल्म के लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां कंप्लीटनेस हो। घरे जंगल भी मिलेंगे आपको बुंदेलखंड में, और शुद्ध सूखा मैदान भी पूरा मिल जाएगा, नदियां भी मिल जाएंगी। ब्रिटिश पीरियड के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जहां पर शूटिंग हो सकती है, गंगाऊ रनगंवा डैम्स जो बने हुए हैं, ब्रिटिश कालीन स्ट्रक्चर हैं, वैसे अद्भुत डैम्स अब आपको कहीं मिलेंगे नहीं। और तो जितनी भी टाइम सीरीज की पिक्चरें बनती हैं उनके लिए तो स्वर्ग है वो। मुझे लगता है कि ये जो वर्तमान महामारी का फेज निकलने के बाद ये जो हमने विकास बोर्ड बनाए हैं उनको समृद्ध करते हुए, शक्तिशाली बनाते हुए, उनकी जिम्मेदारी बनाते हुए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, और उस बड़े राज्य को अलग अलग के अगर विकास बोर्ड नहीं विकसित करेंगे तो एक समान पॉलिसी बनना बहुत मुश्किल कार्य है। इन विकास बोर्डों को जिम्मेदारी दी जाए कि वे अपने हिसाब से
अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए, अपनी शक्तियों को जानते हुए, अपनी कमजोरियों को जानते हुए, लोगों को जोड़ते हुए ऐसी विकास की योजनाएं बनाए। मुझे लगता नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अद्भुत संभावनाएं हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज विकसित हो जाए तो। अयोध्या तो कई कारणों से संभावनाओं का क्षेत्र बन गई है। अब एक तो मंदिर का विवाद समाप्त तो होना अपने आप में बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन गया है। मंदिर के विवाद के कारण लगभग 30 वर्षों तक लोगों ने अयोध्या को अपने आप में वर्जित रखा, लेकिन अब वो बनने के कारण अयोध्या अपने आप में एक पोटेंशियल कारण है। और उसका कारण का एक और कारण अंदर है उसके, क्योंकि एक तो हमारे पास एक विशाल नदी है जो पेरिनियल रिवर है, जो 12 महीने बहती है, सूखती नहीं है। ऐसी रिवर का होना फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। हमारे पास ग्रीनरी है, हमारे पास विशाल कृषि क्षेत्र के जो खेत हैं, मैदान हैं, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो चीज़ें नहीं थी वो भी लगभग लगभग हो रही हैं। जैसे सड़कें पहले अच्छी नहीं थी, सड़कें अब ठीक हो गई हैं लगभग। अब विशेष रूप से मैं तो समझता हूँ कि जब अयोध्या और काशी का जो हाईवे जो प्रस्तावित है, जो 4 लेन हाईवे है, उसके बन जाने के बाद अवध क्षेत्र और काशी क्षेत्र मिल जाएंगे तो फिल्मों का एक नया पूरा संसार बन सकता है।